नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अभी चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। देखिए पिछले वीडियो में भी आपको एक डेटा अपडेट दिया था कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड और मतलब इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा बाइंग किया। आप देखेंगे तो एफआई, एफआईआई एंड एफपीआई। एफआई मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर, और एफपीआई मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों इन्वेस्टर, उसके साथ अगर डीएस मार्केट में एंट्री ले तो एक बुल रन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और उस पैसे से वो मार्केट को ऑपरेट भी करते हैं। देखिए हम लोग जो सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत बुल रन में भाग रहा है, किससे? रिटेल पब्लिक के ऊपर, बिल्कुल नहीं। देखिए इंस्टीट्यूशन में एफआईएस और एफपीआईएस दोनों ने क्या किया था, कंटिन्यूसली सेल कर रहा था जब हमास और इसराइल के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था। उस टाइम मार्केट को फिर से रिकवरी मोड में लेके आए कौन? डीआईएस, हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी। और म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादा बाइंग इसीलिए कर पाए क्योंकि रिटेल आम आदमी, हम और आप जैसे आदमी ने क्या किया, मार्केट को निवेश किए, म्यूचुअल फंड को मतलब म्यूचुअल फंड बाई किया, जिसके चलते है डीएस के पास पैसा गया, उस पैसे से वो मार्केट को मतलब डोमिनेट कर पाए। नहीं तो आज मतलब 5 साल पीछे चले जाएंगे तो मार्केट टोटली ऑपरेट होता था एफआईएस और डीएस, सॉरी एफआईएस और एफपीआई के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग्स उसी के पास है। आज डीआई स्ट्रॉन्ग हो रहा है जिसके चलते मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। तो मार्केट जब बुल रन हो तब हमेशा आपको एक चीज को याद रखना है, हमेशा स्टील सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल जाता है। अभी देखिए जिंदल स्टील के बारे में पे बात करूं तो जिंदल स्टील में पिछले दिनों में कुछ दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, पी रेशियो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक है, आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, हाथ में कैश भी शानदार है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहे हैं, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। दो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा, वो है पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था वो तो है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में एवरेज के आसपास है। और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा कंपनी में सेल्स में थोड़ा सा कमी है इस बार देखने को मिला, मगर कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में रखा जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे क्या हुआ, कंपनी का तो अच्छा खासा सेल्स सब कुछ हुआ था, कंपनी का तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, तो फाइनली नेट प्रॉफिट में पिछले सालों में इतना कम हो क्यों हुआ था? क्योंकि बीच में एक पॉइंट आपने ऑमिट कर दिया, वो है कंपनी का आदर्श इनकम। तो कंपनी आदर्श बिजनेस से जो इनकम हो रहा है तो वो बिग लॉसेस कर रहे थे कंपनी ने, इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। नहीं तो जिंदल स्टील आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन कंपनी है, इंडिया के नंबर वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो अलग लेवल का एक मार्केट कैप लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो स्टील एंड पावर सेक्टर में कंपनी आगे है। और अब सभी जानते जिंदल स्टील के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और सबसे बढ़िया चीज क्या है आप देखते हैं, देखिए बोरिंग्स, कंपनी का कर्जा देखिए 40,000-45,000 करोड़ के ऊपर था, वो घट के हो चुका है 13,000 करोड़। तो किस हद तक उन्होंने कम किया, किस हद तक इन्होंने करेक्शन किया आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट के बेसिस में बता जरूर कहूंगा कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक हाई ग्रोथेबल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ा और कंपनी CWIP में मतलब कंपनी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी एटलीस्ट देखा है तो 10,000 करोड़ के आसपास निवेश भी किया, जो कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसी पैसा जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा, तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर निवेश किया। क्यों निवेश किया, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इस कंपनी के कुछ लास्ट कुछ डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूं, कंपनी के रिटर्न के रेशियो दिखा दूं, तो एक दिन में 3%, एक मंथ में 18% का रिटर्न दिया, 3 मंथ में नो प्रॉफिट नो लॉस, 6 मंथ में 35% और 1 साल में 22%। तो सोचिए जो कंपनी 3 मंथ 6 मंथ में 35% के आसपास रिटर्न दिया,
एक साल में 22% तक रिटर्न दिया तो उसमें एक बिग पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो उसके साथ 3 साल में 173% और 5 साल में 349% के आसपास और 10 साल में 168% के आसपास। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथेबल मोमेंटम जरूर दिखाया और कंपनी के इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसी तरीके से कंपनी की भी ग्रोथ हो रहा है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी बनता है क्योंकि कंपनी स्टील सेक्टर के ऊपर है। तो स्टील सेक्टर देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है कंपनी का 723 के आसपास। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार पैटर्न क्रिएट हुआ, शानदार एक अपटर्न मोमेंटम देखने को मिला। कहाँ से मिला मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ करके रखा। इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस बना, फिर से देखिए ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आए, 200 डेज ईएमए को टच किया, फिर से वापस किया और देखिए ब्रेकआउट होने के बाद एक धमाका हुआ था। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वही लेवल आज कंपनी के लिए सपोर्ट बन चुके हैं। तो जब भी सपोर्ट को टच किया आप देख सकते हैं सपोर्ट को टच किया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है एक हायर लेवल का वो ब्रेकआउट करेगा। अगर इस लेवल को मैं एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक कफ विथ हैने पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बने तो मैं यहाँ पे जरूर एंट्री लूंगा। हाँ यहाँ पे एंट्री बना था, मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा सा दूसरे कंपनी के ऊपर एंट्री था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो बाकी जब भी कोई पैटर्न कन्फर्म करे तो जरूर मैं एंट्री लूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। और तो आज इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जुबिलेंट फुटवर्क लिमिटेड। देखिए जुबिलेंट फुटवर्क लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक फूड सर्विसेज कंपनी है। फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है मगर इस कंपनी को टक्कर देने वाला अभी तक ऐसे कोई कंपनी आगे नहीं आ रहा है। जैसे आप देखेंगे तो फूड इंडस्ट्रीज में जैसे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी को देखा जा रहा है, जहां पे देवानी इंटरनेशनल लिमिटेड है, वेस्ट लाइफ फूड्स है, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज है। तो उससे कंपेयर करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, करीबन 37,000 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास ROCE भी बेस्ट है, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। अभी कर्जा ज्यादा लेने के कारण क्या है मैं पहले बोल चुका हूँ कि कंपनी ने बहुत सारा आउटलेट ओपन करने का कोशिश कर रहा है और बहुत सारे आउटलेट ओपन करने के लिए कंपनी ने कर्जा लिया। देखिए कर्जे के बारे में बात करूं तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास 2600 करोड़ के आसपास कर्जा है और वो भी रिवर्स से ज्यादा, मतलब कंपनी के जो मतलब रिजर्व है उससे कई गुना ज्यादा, तो ये बात सही भी है। मगर एक पॉइंट का आपको याद रखना है, कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी का जो कर्जा है, उस कर्जे के हिसाब से बात करें तो कंपनी का 2600 के आसपास कंपनी का कर्जा देखने को मिला। अभी कंपनी का कर्जा इसमें क्यों लिया गया और किस बेसिस में कर्जा है वो देखने के लिए आपको प्लस में क्लिक करना होगा। आप देखेंगे कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए एकदम छोटे मोटे कर्जा है। कंपनी एक्चुअली कर्जा किस बेसिस में लिया, लीज लाइबिलिटी के लिए। अभी लीज लाइबिलिटी होता क्या है देखिए, मान के चलिए आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको किसी भी दुकान भाड़े पे लेना है, तो दुकान भाड़े पे लेने के लिए आपको बोला गया कि चलो मुझे 1,00,000 रुपए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा। तो जब आपको डिपॉजिट मनी मांगा जा रहा है तो वही आपके लिए एक लीज लाइबिलिटी हो गया है। मतलब आप 1,00,000 रुपया भाड़े पे, सॉरी भाड़ा नहीं, आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ रहा है। तो जब आप वो रूम छोड़ देंगे तो वो पैसा वापस मिलेगा। उसी तरीके से लीज लाइबिलिटी में भी पैसा कंपनी उठाते हैं दूसरे जगह पे भाड़े पे लेने के लिए दुकान को। तो इसी तरीके से कंपनी के बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को लीज लाइबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा, तो इसीलिए कंपनी ने पैसा उठाया। तो मैं इसको नेगेटिव के हिसाब से नहीं देखूंगा क्योंकि ये कंपनी के पैसा वापस भी आएगा। तो कंपनी के जो एज ए इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। कंपनी में ऐसे कुछ खराबी नहीं है कि कंपनी बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स में कई मामले में सब कुछ ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इस बार कम हुआ। अभी प्रॉफिट मार्जिन कम होने के पीछे दूसरा एक रीजन है, वो है कंपनी के सेल्स तो ज्यादा हो गया था मगर कंपनी के एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया। तो सेल्स ज्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाए जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट आया। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डिलीवरी बहुत शानदार देखने को मिला, करीबन 50-70% तक, मतलब 50-70% तक डिलीवरी उठाया जा रहा है। और इसीलिए शायद मुझे कंपनी के ऊपर एक बाइंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बड़े एक फाइनेंस कंपनी ने दिया है और उसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए आपको खरीदना है कि सेल करना है वो आपके हाथ में है।
तो अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो वो आपको देखना चाहिए। तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी सेलिंग का है, बाइंग का नहीं है। तो सेलिंग किसने दिया? एमके ग्लोबल ने दिया। एमके ग्लोबल फाइनेंस ने क्या किया, 380 का लेवल दिया, इसका मतलब सेलिंग का टारगेट दिया। आप देखेंगे तो सेल जुबिलियन फुटवर्क्स टारगेट 380। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बाइंग के लिए एंट्री दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, कंपनी सेलिंग के लिए एंट्री दे रहा है। देखिए आपको इसको देखकर कंपनी के ऊपर सेल मत करना, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का अलग अलग राय होते हैं, हर किसी का अलग राय है, मेरे भी खुद का अलग राय है, आपका भी अलग राय होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में हर किसी का डिसीजन सही नहीं होता, किसी ने बता दिया कि सही में कंपनी गिरेगा, बिल्कुल नहीं। यानी जैसे आप देखेंगे तो जेफ मॉर्गन ने, जेपी मॉर्गन ने केपीआईटी टेक्नोलॉजी को क्या बता दिया था कि वो कंपनी 500 तक आएगा, तो आज 500 नहीं, वो कंपनी तो 1200 को टच करने के लिए तैयार हो रहा है। तो सोचिए, यही बात मैं बार बार बोलता हूं कि किसी के बात को देखकर आप मत काम मत करिए। क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर सेलिंग टारगेट दिया गया है तो क्या करूं। देखिए क्या करूं का मतलब क्या होते हैं, अगर आप कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, कंपनी का बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप डिसीजन खुद ही लीजिए बाय सेल करने का। बार बार बाय सेल करते रहेंगे, लॉसेज में बेचेंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, एक शांत तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, जो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है एक ट्रेडिंग पर्पस में। तो कफ विद दो बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट में मैंने एंट्री लिया और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो इजीली टारगेट को यहाँ पे तक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो ही कंपनी के लिए एक स्विंग हाई भी है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है, जो करीबन 20% तक आसपास टारगेट को अचीव करा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है, आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है कुचिन सीपर्ड। तो कुछ कंपनी का नाम है कैंप्स। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो कैंप्स के बारे में जितना बात करूं उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज इंडियन मार्केट को देखा जाए तो जिस तरीके से रिकवरी किया जा रहा है, इंडियन मार्केट जिस तरीके से रिकवरी हो रहा है, जो डेटा मैंने पहले आपको दिखाया कि इतना जो बाइंग हो रहा है, कि आपको क्या लग रहा है पूरे का पूरा एफएस ने बाय किया? नहीं, डीएस ने भी बाय किया। तो डीएस बाय कहां से कर रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं तो वो कहां से करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश जितना ज्यादा करेंगे तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको कैंप्स को मिलेगा, क्योंकि कैंप्स द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। ट्रांसफर एजेंसी का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपने म्यूचुअल फंड बाय किया और इसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो आपको एक चार्जेस कैंप्स को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाय से लेकर सेल तक जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांसफर का काम करते हैं, बूसी ट्रांसफर का एजेंसी कैंप्स ने लेकर रखा है। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस कंपनी किया कर रहा है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो आपको संडे में बना के दिया था, अगर आपने देखे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो कैंप्स के ऊपर दो बात कहूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, सेल्स में बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है, 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 80 करोड़ तक, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा, कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में अगर डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो चारों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया, सिर्फ अगस्त मंथ में कुछ स्टेक बेचा गया, इसके बेचने के पीछे रीजन भी बताऊंगा। चलो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी हो चुके हैं, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स भी बना है और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी इस तरीके से अगर पैटर्न्स क्रिएट हुआ और वो बहुत हायर लेवल में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो वहां पे एंट्री मत लेना। अगर वहां पे आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे टारगेट रेशियो आपको कम हो जाएगा, तो आप इंतजार करिए, इसके नजदीक जब भी आएगा, आसपास आएगा, तो वहां पे एंट्री बन सकता है, उसके बाद टारगेट अचीव हो सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ से अगर वापस ना आए तो? इसीलिए मैं जो काम करता हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं इस कंपनी के ऊपर 100 क्वांटिटी उठाने वाला हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 100 क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, तो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो यहाँ पे 50% शेयर में खरीदारी कर लूंगा, जब भी करेक्शन होंगे तो उस करेक्शन एंट्री में मैं और 50 क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एवरेज भी हो जाएगा, अगर यहाँ से टारगेट हो जाए तो मुझे 50 क्वांटिटी से टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत करिए, और हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट में
किसी भी कंपनी के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश मत करिए, और अगर आप बिगिनर है तो 3% से ज्यादा निवेश मत करिए। टोटल पोर्टफोलियो का आपका 3% के आसपास होल्डिंग होना चाहिए। तो इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका रिस्क जो कैपिटाइड है वो भी कम हो जाएगा। तो बाकी मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ, आप किस बेसिस में काम कर रहे हैं मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर भेजना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कुचिन सीपर्ट लिमिटेड। तो फटाफट इस कंपनी के ऊपर अपडेट आने वाले हैं। कंपनी आज तक स्प्लिट और बोनस कभी नहीं दिया, तो फाइनली कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको कंपनी 5 रुपए करने वाले हैं। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाले हैं, क्योंकि अगर 5 से मैं डिवाइड करूं तो 2 ही बनेगा, तो उस हिसाब से 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो फाइनली डेट अनाउंसमेंट जल्द से जल्द होने वाला है। तो जब होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।